तारे सितारे एवं ग्रह नक्षत्र बदलते हैं अपनी चाल और एस्ट्रो गुरुजी बताते हैं आपकी जन्म राशि का हाल। मित्रों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य का राशिफल, नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ हमारे चैनल से प्राप्त करती रहें। तो मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल दिनांक 2 अगस्त 2020 रविवार के दिन का। तो आज शुभ ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव के कारण आज 12 में से 8 राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा, वहीं अन्य राशि वालों को आज थोड़ा सतर्क रह करके कार्य व्यवहार करना होगा। तो अब जानिए अपनी जन्म राशि के अनुसार आज आपके भाग्य के सितारे क्या बोलते हैं और आज के दिन आपको क्या खास उपाय करना चाहिए जिससे कि दिन आपका शुभ रहे और कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिले। तो मेष राशि से आरंभ करते हैं। मेष राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज आप किसी महत्वपूर्ण मसले को हल करने में सफल रहेंगे और कार्य क्षेत्र पर साथियों का सहयोग समय के अनुसार आपको मिल जाएगा। आपका स्वभाव दूसरों को काफी पसंद आएगा, लोगों को आकर्षित करने में काफी सफल रहेंगे। और आज मेष राशि वाले बुजुर्ग लोगों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए, खान पान पर विशेष करके आपको संयम रखना चाहिए। आज वैसे आप रोमांटिक मूड में रहेंगे, आज आपको धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। तो आज का दिन आर्थिक रूप से काफ़ी अच्छा है और स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा सामान्य रहेगा। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 8 है। शुभ रंग आपका पीला रंग है। पीले रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात सूर्योदय के समय सूर्य भगवान को तांबे के पात्र में शुद्ध जल, गंगा जल, चंदन लेकर के 3 बार अर्घ्य प्रदान करें। गायत्री महामंत्र का 21 बार जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है वृषभ। वृषभ राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज आप रिलैक्स मूड में रहेंगे, आज आप बिजनेस ट्रिप पर जा सकते हैं, यात्रा की योजना बना सकते हैं, यात्रा आपके लिए फायदेमंद रहेगी। इस राशि की महिलाएं मधुर संगीत का आनंद ले पाएंगी। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन काफ़ी अच्छा है। परिवार में चहल पहल यथावत रहेगी। बच्चों की किसी बात को लेकर जीवन साथी से कोई तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसलिए आज आपको धैर्य धारण करना चाहिए, प्रेमपूर्ण सभी से व्यवहार करना चाहिए। वैसे परिजनों का सहयोग आपको समय के अनुसार मिलता रहेगा। आर्थिक पक्ष आज आपका बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी दिन उत्तम रहेगा। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 7 है। शुभ रंग आपका बैंगनी रंग है। बैंगनी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात सूर्योदय के समय सूर्य भगवान की गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें और सूर्य भगवान के नाम मंत्रों का 108 बार जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज आपको वाहन सुख श्रेष्ठ रहेगा, भौतिक सुख संसाधनों की बढ़ोतरी होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, लेकिन आपको ज़्यादा फायदा भी आज मिल पाएगा। सेहत भी बेहतर रहेगी, इनकम बढ़ेगी, प्रॉपर्टी से संबंधित किसी विवाद का हल आज हो जाएगा, रुके हुए कार्य आपके संपन्न होंगे। आज के दिन को स्मूथ बनाने के लिए आपको सफ़ेद पुष्प दिन भर अपने जेब में रखना चाहिए जिससे कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। तो आज स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन थोड़ा सा सामान्य रहेगा और आर्थिक दृष्टि से दिन उत्तम है। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 1 है। शुभ रंग आपका सफ़ेद रंग है। सफ़ेद रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात सूर्योदय के समय अपने पूजा कक्ष पर शुद्ध घी का दीपक जलावें और अपने इष्ट देवता का नाम मंत्र 108 बार उच्चारण करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है कर्क। कर्क राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज आपका कोई गुप्त शत्रु परेशान करने की कोशिश कर सकता है, आपकी कमजोरी का फायदा दूसरे लोग उठा सकते हैं, इसलिए आज आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। संभल करके आगे बढ़ेंगे और संभल करके कोई निर्णय लेंगे तो आप सफल रहेंगे। जो लोग नौकरी आदि की तलाश में हैं
यदि अच्छी योग्यता है तो आपको सफलता मिल जाएगी, और जो नौकरी वर्तमान में कर रहे हैं उन्हें उच्च पद प्राप्ति के योग बनेंगे। आज रात को सिराने पर एक फिटकरी का टुकड़ा रख करके सोएं तो आपका दिन काफ़ी बेहतर रहेगा। तो वैसे स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन उत्तम है और आर्थिक दृष्टि से भी दिन अच्छा रहेगा। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 9 है। शुभ रंग आपका केसरिया रंग है। केसरिया रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात सूर्योदय के समय सूर्य भगवान को लाल पुष्प अर्पण करें और सूर्य भगवान के इस महामंत्र का 108 बार श्रद्धापूर्वक जाप करें, ओम भानवे नमः। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है सिंह। सिंह राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज आप सामाजिक काम में ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। जो लोग बिजनेस आदि करते हैं वे नए संपर्क बढ़ा पाएंगे और कार्य क्षेत्र का विस्तार कर पाएंगे। दूर स्थान से आपको कोई अच्छी खबर मिलने के योग हैं। नया घर वाहन आदि खरीदारी के लिए दिन काफ़ी अच्छा है। फैमिली में खुशनुमा माहौल रहेगा। आज किसी गरीब व्यक्ति को सहायता देना, आर्थिक सहायता देना, वस्त्र आदि दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। तो वैसे आर्थिक पक्ष आपका मजबूत है और स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन आपका सामान्य रहेगा। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 2 है। शुभ रंग आपका क्रीम कलर है। क्रीम कलर का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात सूर्योदय के समय सूर्य भगवान को गुड़ घी की धूप अर्पण करें, लाल पुष्प और मिठाई अर्पण करें और बैठ करके गायत्री महामंत्र का यथाशक्ति जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है कन्या। तो कन्या राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज आपका स्वभाव दूसरों को काफ़ी प्रभावित करेगा और लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। आज आपका आत्मविश्वास काफ़ी अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में बिजनेस में आपको सफलता के प्रबल योग हैं। आज आपका संपर्क क्षेत्र बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र पर थोड़ा सा तनाव बढ़ सकता है। आपको धैर्य धारण करना चाहिए। मेहनत और संघर्ष से नहीं घबराना चाहिए। संघर्ष आपको करते रहना चाहिए, आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आज माता महालक्ष्मी जी की प्रातःकाल पूजन करना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी। तो आज आर्थिक पक्ष इससे आपका मजबूत रहेगा और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी दिन अच्छा रहेगा। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 3 है। शुभ रंग आपका हरा रंग है। हरे रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात अपने घर के पूजा स्थल पर गाय के शुद्ध घी का दीपक जला करके लक्ष्मी नारायण भगवान की श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और लक्ष्मी नारायण भगवान के नाम मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है तुला। तुला राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज आपके दिन की शुरुआत काफ़ी अच्छी रहेगी। आपको अपने काम में सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। आज आप दूसरों की हेल्प करने में सबसे आगे रहेंगे, जो आपके लिए ठीक रहेगा। पैसों के मामले में आज संभल करके आपको रहना चाहिए। लेन देन में विशेष करके सावधानी बरतें, वरना आपका नुकसान भी हो सकता है। और इस राशि की महिलाओं को आज सुंदर कोई उपहार मिलने के योग रहेंगे। तो आज का दिन आर्थिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा रहने वाला है और स्वास्थ्य की दृष्टि से सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य की ओर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बेहतर होगा। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 6 है। शुभ रंग आपका हल्का गुलाबी रंग है। तो हल्के गुलाबी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात सूर्योदय के समय सूर्य भगवान की गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें और बैठ करके आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ करें अथवा सूर्य भगवान के नाम मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है वृश्चिक। तो वृश्चिक राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज आपकी सोच काफ़ी क्रिएटिविटी रहेगी, कला का भाव आपके अंदर ज़्यादा रहेगा, जिज्ञासा अधिक रहेगी और आपका पराक्रम आत्मविश्वास काफ़ी अच्छा रहेगा। आज पड़ोसियों से घुल मिल करके रहेंगे, अपना काम पूरे उत्साह से करेंगे तो आप सफल रहेंगे।
आज आलस्य आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वरना आपको कार्य में सफलता नहीं मिल पाएगी। प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, स्टील लोहे आदि में निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या तेल से संबंधित कोई व्यापार व्यवसाय आप करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। तो आज आर्थिक पक्ष काफ़ी अच्छा है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी दिन अच्छा रहेगा। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 5 है। शुभ रंग आपका आसमानी रंग है। आसमानी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात सूर्योदय के समय सूर्य भगवान को तांबे के पात्र में शुद्ध जल, गंगा जल, चंदन और लाल पुष्प डाल करके 3 बार अर्घ्य प्रदान करें और सूर्य भगवान के इस महामंत्र का 108 बार श्रद्धा पूर्वक जाप करें, ओम भास्कराय नमः। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है धनु। तो धनु राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज दूर यात्रा के योग बन सकते हैं, यात्रा से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, जीवन साथी से संबंध आपके बेहतर रहेंगे, आज आपको जीवन साथी को कोई तोहफा देना भी बेहतर रहेगा और कार्य क्षेत्र पर स्थिति आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगी। इस राशि की महिलाओं को मौज मस्ती में ज़्यादा आनंद रहेगा और बिजनेस में आज कोई नई डील आप कर सकते हैं, बिजनेस में विशेष फायदा आज आप उठा सकते हैं, व्यापार व्यवसाय में आज आपको लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। तो आज आर्थिक पक्ष आपका उत्तम रहेगा और स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन थोड़ा सा सामान्य रहेगा, इसलिए आज विशेष करके आपको खान पान पर संयम रखना चाहिए जिससे कि आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहे। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 4 है। शुभ रंग आपका बादामी रंग है। बादामी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात सूर्योदय के समय सूर्य भगवान की गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें, सूर्य भगवान को मिठाई और मिश्री का भोग अर्पण करें और बैठ करके सूर्य भगवान के इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें, ओम आदित्याय नमः। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है मकर। मकर राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज सामाजिक काम में ज़्यादा ही व्यस्त आज आप हो सकते हैं, कला और साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ पाएंगे, जो लोग इन क्षेत्रों में जुड़े हैं उन्हें अच्छी उन्नति प्राप्त हो सकेगी, आपके नए मित्र बनेंगे, संपर्क का दायरा आपका बढ़ेगा जो भविष्य में काफ़ी फायदेमंद रहेगा और व्यापार व्यवसाय में स्थिति आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगी। आज कोई पुराना विवाद आपका सुलझ जाएगा अथवा कोई रुका हुआ कार्य आज आपका संपन्न होने के योग हैं। फैमिली में किसी को जबरदस्त धन लाभ के योग बनेंगे। आर्थिक पक्ष आज आपका काफ़ी पहले से बेहतर रहेगा तो स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन थोड़ा सा नरम गरम रहेगा, इसलिए स्वास्थ्य की ओर ध्यान देंगे तो बेहतर होगा। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 2 है। शुभ रंग आपका बादामी रंग है। बादामी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात सूर्योदय के समय सूर्य भगवान को तांबे के पात्र में शुद्ध जल, चंदन, लाल पुष्प और अक्षत डाल करें, 3 बार अर्घ्य प्रदान करें और सूर्य भगवान के इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें, ओम भास्कराय नमः। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज आपका एटीट्यूड लोगों को काफ़ी पसंद आएगा, लोगों को आकर्षित करने में आप सफल रहेंगे। इस राशि की महिलाएं ग्रुप में किसी समारोह में शामिल होने के योग बनेंगे और मित्रों से फाइनेंशियल मदद आपको मिल पाएगी और इस राशि के जो लोग बिजनेस आदि करते हैं उन लोगों को आज वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना चाहिए, अपने क्रोध पर भी संयम आज आपको रखना चाहिए क्योंकि बेवजह आज आपका किसी से विवाद हो सकता है, आज आपको संभल करके कार्य व्यवहार करने की आवश्यकता रहेगी। तो आज आपका आर्थिक पक्ष थोड़ा सा सामान्य रहेगा और स्वास्थ्य आज आपका उत्तम रहेगा। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 1 है। शुभ रंग आपका नीला रंग है। नीले रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपको विशेष उपाय इस प्रकार से, प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात सूर्योदय के समय अपने घर के पूजा स्थल पर गाय के शुद्ध घी का दिया जलाएं और सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें,
गुड़ घी की धूप अर्पण करें और बैठ करके सूर्य भगवान के इस नाम मंत्र का 108 बार श्रद्धा पूर्वक जाप करें। ओम दिवाकराय नमः। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है मीन। मीन राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज आप काफ़ी अच्छे मूड में रहेंगे, आपको प्रेम मिलेगा, घर परिवार में सहयोग समर्थन आपको मिलेगा और कार्य क्षेत्र पर कड़ी मेहनत आज आपको करना पड़ेगी, उसका लाभ आपको भविष्य में जाकर के मिलेगा। और बच्चे जो है खेल कूद में ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। आज वाहन मकान आदि खरीदने के लिए, किसी भी प्रकार की खरीदारी करने के लिए दिन शुभ रहेगा। यात्रा के दौरान अपने सामान की सुरक्षा आपको करना चाहिए, थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो आज आपके लिए बेहतर रहेगा। वैसे आर्थिक पक्ष आज आपका सामान्य है और स्वास्थ्य पहले से काफ़ी उत्तम रहेगा। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 7 है। शुभ रंग आपका नींबू पीला रंग है, तो नींबू पीले रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल सूर्योदय के समय सूर्य भगवान को एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल, गंगा जल, लाल पुष्प, चंदन, हल्दी आदि डाल करके 3 बार श्रद्धापूर्वक अर्घ्य प्रदान करें और बैठ करके गायत्री महामंत्र का 21 बार जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह दैनिक राशिफल की जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर मिलेंगे।